हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, थर्ड इंटीफाडा क्या है ये? सम ऑब्जर्वर्स हैव रेफर्ड टू द करंट वॉर इन द सडन इजराइल द बिगनिंग ऑफ द थर्ड इंटीफाडा। इंटीफाडा इंटीफाडा, अब इसका प्रोनंसिएशन कुछ होगा, उसके लिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। पर आप देखिए, इंटीफाडा अब सही बात हो रही है। जैसे देखा है, इसराइल का ये है, तो देखिए ये इसराइल है, तो गाजा स्ट्रिप ये रहा आपका, तो यहीं पर लड़ाई चल रही है। अब देखिए, इसराइल यहाँ से चल रहा है, ये आपका इसराइल का बॉर्डर हो गया, ठीक है, इसराइल का बॉर्डर हो गया। इसलिए अगर हम लोग देखें तो इसको सडन इसराइल बोल दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, ये ऐसे में देखिए, ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा हो जा रहा है। यहाँ पे आपका जॉर्डन है, इसके ईस्ट में यहाँ पर आपका ये सीरिया है, ऊपर में आपका लेबनान है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मेडिटेरेनियन सी है। आप देखिए, यहाँ पे ईरान, ये यूएई है, ईरान के इराक है, ये इराक है, इराक के बगल में ईरान, ईरान के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में इंडिया। तो ये रहा हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में हम कैसे कैसे इसराइल पहुँच सकते हैं। या तो इराक से आप जॉर्डन जाइए फिर इसराइल आइए, या तो इराक से आप सीरिया जाइए फिर इसराइल आइए। तो ये तो हम इसराइल पहुंचने का तरीका हो गया, और ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया आपका, ये वेस्ट बैंक हो गया जहाँ पे पेलेस्टीनियन रहते हैं। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक आपका पेलेस्टीनियन का जगह है, ये आपका जेरूसलेम जगह हो गया, ये आपका तेल अवीव हो गया, जेरूसलेम इसका कैपिटल बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेंशन था ये था। अब इसको क्या बोला जा रहा है? थर्ड इटीफड़ा। अब थर्ड इटीफड़ा क्या है? इटीफड़ा इज एन अरेबिक वर्ड दैट मीन्स शेक ऑफ। इट केम इन टू पॉपुलर यूसेज इन दिसंबर 1987 विथ पेलेस्टीनियन यूजिंग इट टू डिस्क्राइब देयर अपराइजिंग अगेंस्ट द इजरायली प्रेजेंस इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो देखिए, उस समय वेस्ट बैंक में इसराइल का प्रेजेंस था और गाजा में, उसके लिए पेलेस्टीन ने क्या क्या वर्ड यूज किया था? इटी फड़ा, इंटी फड़ा, इंटी फड़ा है, इंटी फड़ा, ठीक है। पेलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर एडवर्ड सेड इन द 1989 एसे टाइटल इंटी फड़ा एंड इंडिपेंडेंस, तो इन्होंने ये आर्टिकल एसे भी लिखा था इसके ऊपर, डिस्क्राइब द इंटी फड़ा एज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल पुश्ड टू द वॉल बाय द बेर कंकल्ड इजराइल अटेम्प्ट टू रॉब देम ऑफ देयर हिस्ट्री, लैंड एंड नेशनहुड। तो ये बात हो रही है इंटीफाड़ा, मतलब आप सिंपल सी बात समझिए, जिसका मतलब है आपका शेक ऑफ, मतलब हिला देना, क्यों हिला डाला ना, वो वाला हिसाब है। द फर्स्ट इंटीफाड़ा लास्टेड फ्रॉम 1987 टू 1993, 3 साल इधर 3 साल इधर, 6 साल चला। द सेकेंड इंटीफाड़ा फ्रॉम 2000 टू 2005, तो फर्स्ट वाला आपका कितना चला? आप देखिए, फर्स्ट वाला आपका चला 6 साल, सेकेंड वाला आपका चला 5 साल। अब देखते हैं ये कितना चलता है, 4 साल चलता है, 3 साल चलता है, 2 साल चलता है, 1 साल चलता है। देयर वर पॉपुलर अपराइजिंग स्पीयर हेडेड बाई पेलेस्टीन यूथ अगेंस्ट पावरफुल इजरायली सेटलर्स ऑन पेलेस्टीनियन लैंड। टेंशन बिटवीन इजराइल एंड द पेलेस्टीनियन हैव कंटिन्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड इंटीफाडा एज इजराइल हैज कंटिन्यूड टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन द पेलेस्टीनियन टेरिटरी, वाइल पेलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन सच एज हमास एंड द पेलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट्स हैव स्टेप्ड अप टेरर अटैक्स एंड बॉम्बिंग। मैनी हैव फॉर ईयर प्रेडिक्टेड अ थर्ड इंटिफाडा, स्पेशली अमिडस्ट द राइज ऑफ द अल्ट्रा नेशनलिस्ट फार राइट इन द इजराइल विद द एक्सट्रीम पोजिशन ऑन पेलेस्टीन। द अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरन रिलेशन हैज नोटेड दैट 2022 मार्क द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स फॉर बोथ इजराइली एंड पेलेस्टीनियन सिंस 2015। द वायलेंस हैज कंटिन्यू टू एस्केलेट इन 2023 विद द वेस्ट बैंक ऑन ट्रैक ऑफ इट्स डेडलीस्ट ईयर सिंस 2005 एमिड ऑलमोस्ट डेली इजराइली इंकर्शंस। मतलब यहाँ पे आप देखिए, इजराइल डेली यहाँ पे आपका जा रहा था, लूटपाट मचा रहा था, इसलिए इसको वेस्ट बैंक ईयर आपका इसलिए बोला जा रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा था। इसराइल हैज़ ऑल्सो कैरिड आउट मल्टीपल रेड्स ऑन द होली अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलेम। आप देखिए, अल अक्सा मॉस्क आपका जेरूसलेम में है, यहाँ पे अल अक्सा
मॉस्क कहाँ पर है आपका? जेरूसलम में। ये इस्लाम का, आप देखिए इसको बोला जाता है इस्लाम्स थर्ड होलीएस्ट प्लेस आफ्टर मक्का मदीना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, दिस ईयर हाइटनिंग टेंशन एंड इवेंचुअली लीडिंग टू हमास लेटेस्ट ऑपरेशन नेम्ड आफ्टर द मॉस्क। तो इन्होंने मॉस्क के नाम के ऊपर रखा है और उसको ऑपरेट किया। अब देखते हैं एक बार इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हम ये देख रहे थे इंटीफड़ा। क्या हो गई अचानक से? सबसे पहले इंटीफड़ा हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटीफड़ा। अब देखिए क्या है, शेकन ऑफ, शेकन ऑफ जिसका मतलब हो गया क्यों हिला डाला ना। तो पहला जो हुआ था आपका 6 साल चला था, दूसरा ये हुआ, और थर्ड आप देखिए आपका अभी चल रहा है। तो अभी का लोकेशन तो हमें पता ही है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है लोकेशन कहाँ पे चल रहा है, गाज़ा स्ट्रिप में चल रहा है। किस लिए चल रहा है वो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें बहुत छोटा सा बताया इन्होंने कि मॉस्क के ऊपर इसराइल करता था हमला, डेली के रेड्स होते थे इसलिए। पर मैंने जियो पोलिटिकल रीजन से भी पहले पहले के वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि क्यों हो रहा है, क्या उसमें इंडिया का जो कॉरिडोर अभी इस्टेब्लिश होने जा रहा था यूरोप तक उसका कोई हाथ है, और क्या सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जो टाइज नॉर्मलाइज हो रहे थे उसका कोई हाथ है। तो ये बहुत सारे सारे फैक्टर्स मिलजुल के एक बड़ा डिमांड क्रिएट कर दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस को और हमास को कि वो ऐसा कुछ स्टेप उठाए। तो ये था, अब देखते हैं थर्ड आपका इंटीफड़ा कितने दिन चलता है। सिंपली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीफड़ा का मतलब है आपका शेकन ऑफ। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।